हैतिमपुर देवरिया नगर के हैतिमपुर के मेन मार्केट में शुक्रवार को शासन आदेश के तहत नगर पंचायत हैतिमपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं 1 से 14 वार्ड के सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। एसडीएम देवरिया सदर अरुण कुमार सर्वप्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को शपथ दिलाई। उसके बाद नगर के 1 से 14 वार्डो में सभासदों का वीरेंद्र यादव ने शपथ दिलाया। अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने नगर की जनता का आभार प्रकट करते हुए वह हर संभव नगर पंचायत के स्वर्णिम विकास की बात हो या गरीबों और असहाय को शासन से उपलब्ध हर सहायता दिलाने व उनके मान सम्मान के हिफाजत की बात हो उस पर खरा उतरने की संकल्प लेता हूँ। इसमें सबका विश्वास और सहयोग भी जरूरी है। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री के पुत्र सुब्रत शाही ब्लॉक प्रमुख तर कुलवा ने कहा कि हैतिमपुर नगर के विकास तथा नगर पंचायत की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण में दलगत भावना से ऊपर उठकर अध्यक्ष का सहयोग किया जाएगा तथा 1 से 14 वार्ड सभासदों से दलगत भावना से ऊपर उठकर विकास कार्यों में अध्यक्ष का सहयोग करते हुए अपने वार्ड के विकास कराने की अपील की। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं श्रद्धापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। बोले वीरेंद्र जी, आज आप आधिकारिक रूप से अध्यक्ष पद का जो नगर पंचायत का शपथ लिए है, किस तरह नगर पंचायत का विकास करेंगे, कैसे सभी सभासदों को लेकर चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं बहुत लंबे समय तक कार्य किया है और माननीय कृषि मंत्री सुब्रता शाही जी के साथ काम करते करते कुछ उनको अनुभवों को मैंने उनके साथ सीखा है और उसी अनुभवों का मैं प्रयोग करते हुए मैं सभी सभासद भाइयों को साथ लेकर नगर पंचायत में एक विकास का कीर्तिमान स्थापित करूंगा और जितने 55 मतों से यहाँ की जनता ने हमें आज अध्यक्ष के रूप में सुघोषित किया है उनके सभी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सभी सभासद हमारे विचार से समाहित हैं और जो है सभी सभासदों से मेरी बात हुई है। सभी सभासद विकास के रास्ते पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम सभी मिलकर नगर के विकास में अपना योगदान करेंगे।